शेषशायी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र में ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो, जिसकी पुतली तला बरौनिया अनंत के बसभूत अतकुलित कंतु साथ में निर्मेश नैनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। विश्व योग दिवस पर जगह जगह लोगों ने योग किया और शरीर को स्वस्थ रखने में योग का महत्व बताया, लेकिन आनंद प्रकाश गुप्ता ने नर्मदा नदी में अनोखा योग किया। उन्होंने नर्मदा नदी में पद्मासन लगाया और फिर हनुमान चालीसा और कनकधारा स्रोत का पाठ भी किया। इसके साथ आनंद प्रकाश गुप्ता ने और भी कई योगिक क्रियाएं की, वह भी बिल्कुल आसान तरीके से। नर्मदा नदी में योग करने में उन्हें जरा सी भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वे करीब 15 सालों से ऐसा कर रहे हैं। गुप्तेश्वर में रहने वाले आनंद प्रकाश गुप्ता प्राइवेट नौकरी करते हैं। उन्होंने बताया कि कई सालों से पहले उन्हें साइटिका का दर्द शुरू हुआ। उन्होंने बहुत इलाज कराया लेकिन आराम नहीं मिला, लेकिन जब योग किया तो उन्हें दर्द से छुटकारा मिल गया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि नर्मदा नदी में योग करने की उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, बल्कि उनके अंदर से प्रेरणा हुई और उन्होंने बिना प्रैक्टिस के नर्मदा नदी में योग करना शुरू कर दिया। हमने आज यहाँ पर देखा आपने कि हनुमान चालीसा और कनकधारा स्त्रोत का पाठ किया, दोनों ही हमने पद्मासन मुद्र जल के ऊपर लेटकर सवाशन मुद्रा में और पद्मासन मुद्रा में किए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि कितने आसानी से हम यहाँ पर पद्मासन योग कर सकते हैं। माँ नर्मदा की ऐसी कृपा है कि हमने बचपन से यहाँ पर आना शुरू हुआ है और लगभग हफ्ते में 2-3 दिन हमारा आना ठंडी गर्मी बरसात हो ही जाता है। ये कृपा ऐसी है माँ की कि हमने हनुमान चालीसा या कनकधारा स्त्रोत का जो पाठ यहाँ पर पद्मासन मुद्रा में किया हुआ है, इसके लिए हमने कोई प्रैक्टिस कभी नहीं करी। ये कुछ अचानक से माँ की कृपा ऐसी हुई कि ये अचानक से अनुभूति हुई कि हमें ऐसा करना चाहिए और एक दिन हमने शुरू कर दिया बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी और एफर्ट लगाए। ये चीज़ें इतनी आसानी से हो गई कि हमें खुद आज विश्वास नहीं होता कि ये इतने आसान तरीके से हो सकता है। तो माँ की विशेष कृपा के लिए माँ का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहते हैं कि ज़िंदगी भर हमारे माँ की कृपा ऐसी बनी रहे हम सभी के ऊपर, और ख़ासकर हम जबलपुर। ये योगासन हमारा करीब 15 से 20 साल हो गए हमें करते हुए। सन 2000 में हमें साइटिका स्लिप डिस्क हुआ था और उस समय हम बहुत प्रॉब्लम में थे, हमने जगह जगह दिखाया, हमें कहीं फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब हमने यहाँ पर पद्मासन मुद्रा में योग शुरू किया, शवासन में जब योग शुरू किया, तो उसके बाद से हमने देखा कि हमारा दर्द पूरी तरह से गायब हो गया और हमें आज किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। आज अगर 1000 किलोमीटर भी गाड़ी ड्राइव करनी हो तो हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पलपल, इंडिया न्यूज़।